वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मरियम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी के फरोग के लिए प्लान तलब कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ सुहेल अब्बास बलोच से। जी सुहेल, बताइएगा, सरमायाकारी को फरोग देना चाहते हैं, क्या प्लान मुरतब किएगा इसके लिए? जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जो है वो खसूसी इजलास हुआ है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई है पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट बारे, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी के फरोग के लिए प्लान जो है वो तलब कर लिया गया। मार्केट की जरूरियात का तहीन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदेही की हिदायत की गई है। सरमायाकारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के मौके फ्राहम करने के लिए सेक्टर्स वाइज जो है वो मीटिंग का भी हुक्म दिया गया। पंजाब में मौजूदा सनतों का डाटा और फ्यूचर इंडस्ट्रीज के अदादोशुमार भी मुरतब करने की हिदायत की गई है। जबकि मरियम नवाज का इस मौके पर कहना है कि सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाएगी। सियासी अदम इस्तेकाम के दौर का खात्मा हुआ है। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए पूरी तरह जो है यकसू है। और इस इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई मशीर जो परवेज रशीद, सूबाई वजीर सन्नत चौधरी शाफत हुसैन समेत दीगर ने जो है वो शिरकत की। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल अब्बास बलोच, आपने तफसीला लगा किया।